स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम साथ साथ देखेंगे ताकि आपको सभी समझ में आ जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो होने देखने के बाद आप कंफ्यूज होना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम साथ साथ देखेंगे, साथ साथ ही आपको इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा परम्यूटेशन में क्या होता है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, उसके साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल दे के ही आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के साथ आप बहुत 100% समझ जाओगे कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे आप ही के साथ, इम्पोर्टेंट नोट्स भी देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑन परम्यूटेशंस एंड एग्जाम्पल्स ऑन कॉम्बिनेशंस ये जो भी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को मैंने टू वीडियो में डिवाइड किया है। तो चलो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है ये हम एक एक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो परम्यूटेशंस मीन्स क्या होता है। परम्यूटेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ यन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर द ऑर्डर्स मैटर। और कॉम्बिनेशन मीन्स क्या रहता है। अ कॉम्बिनेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ यन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करती है और यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर रुको, वीडियो देखो एंड तक, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो आर थिंग्स और ये यन थिंग्स, सेट ऑफ यन थिंग्स मतलब यन थिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें से कुछ तो आर थिंग्स रहता है, उसको आपको विदाउट रिप्लेसमेंट से आपको अरेंजमेंट करना है, उसी को हम परम्यूटेशंस बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। उसका ऑर्डर कहाँ पे आता है, उसका प्लेसमेंट मतलब उसका प्लेस कहाँ पे है वो मैटर करता है, और वैसा कॉम्बिनेशन में नहीं रहता, ऑर्डर मैटर नहीं करती, ठीक है। ये बाद में आपको, ये फर्स्ट पॉइंट आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो देखो सेकेंड पॉइंट अरेंजमेंट मतलब क्रमचे। परम्यूटेशन मीन्स क्या करते हैं, उसके अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं चीज़ों का, हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन मीन्स क्या रहता है, कॉम्बिनेशंस में हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना कोई किसी भी चीज़ को यन थिंग्स से, सेट ऑफ यन थिंग्स का जो भी सेट रहेगा उसमें से हम आर चीज़ें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, यन थिंग्स जो भी सेट है हमारा, जो भी यन थिंग्स का जो भी सेट है उसमें से हम आर थिंग्स मतलब आर थिंग्स हम उसमें अरेंजमेंट करते हैं। तो ये अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया अभी तक। परम्यूटेशंस में हम अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशंस में हम सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करती है, यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेंगे हम। देखो परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत सारे यन थिंग्स अगर ये जो यहाँ पे यन की वैल्यू और आर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा आ गए तो हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो भी मैथ्स में जो भी अभी तक जितने सारे साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले डिसाइड किए। तो देखो परम्यूटेशंस का फॉर्मूला रहता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है।
समझ लो, फॉर्मूला खाली समझ लो, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो मैं डीप से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला देख लो, NCR, P मीन्स परम्यूटेशन, C मीन्स कॉम्बिनेशंस, N और R, N क्या है, N थिंग्स, सेट ऑफ N थिंग्स है, और R क्या है, चॉइस, चॉइस है हमारी, चॉइस किसकी, आर थिंग्स की, मतलब यन में से आर हम अपने को चॉइस करने का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का डेफिनेशन है NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या है, यन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इन ब्रैकेट आर यन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं हर बार आपको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल नहीं करना पड़ेगा, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा एग्जांपल सॉल्व करते समय। तो देखो ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल अब आपको पता नहीं रहेगा तो मैं देखो फैक्टोरियल सबसे फर्स्ट हम मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मीन्स जो आई रहता है उसका रिवर्स करते हैं हम, ठीक है। तो उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो देखो फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू दी रहती है उस वहाँ से उसको मल्टीप्लाई करते जाने का 1 तक। तो देखो 5 का फैक्टोरियल मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये सभी का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास वैल्यू आती है 120। उसी प्रकार से देख लो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 3 × 2 6, 6 × 1 6, तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 6 हो गया। फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, जो भी वैल्यू का फैक्टोरियल हमें निकालना है वहां से उसको मल्टीप्लाई करते जाने का एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे करते करते उसको मल्टीप्लाई करते जाने का, मतलब 3 × 2 × 1, ठीक है। मतलब देखो ये अगर हम एन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का है हमें, तो देखो इसको कैसे करने का, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसा ही करते जाने का, कहाँ तक, जब तक 1 नहीं आता तब तक। यह हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, समझ में आ गया फैक्टोरियल क्या होता है, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके देख लो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही छोटी सी कंसेप्ट है फैक्टोरियल। तो देखो अब हम फॉर्मूला देख रहे थे, तो देखो आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का क्या है, सिर्फ खाली यहाँ पे आर फैक्टोरियल बढ़ जाता है, फॉर्मूला सेम ही है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यहाँ पे बढ़ रहा है, बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है अभी तक आपको परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो देखो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगी। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल होने के बाद आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ये आपको देख रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है, देखो ये परम्यूटेशन का है, यहाँ पे मैं पी लिखता हूँ और ये कॉम्बिनेशन का है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखो, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 2 लेटर यूजिंग ABC, मतलब 3 लेटर, 3 लेटर से हमें 2 लेटर्स का हम कितने वर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मीन्स अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्रिएटेड मीन्स अरेंज कर सकते हैं। तो देखो ABC से हम कितने टाइप के वर्ड जिसमें 2 लेटर्स होने चाहिए, कितने 2 लेटर्स होने चाहिए। तो हमने देखा था क्या, देखा था कॉम, ये हमने फॉर्मूला देखा था परम्यूटेशन का। तो देखो यहाँ पे यन सेट, सेट कितने का है, यहाँ पे 3 का है, 3 लेटर्स का सेट है, तो यहाँ पे यन की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। P मीन्स परम्यूटेशन, आर मीन्स क्या है, सेट,
सिलेक्शन करने का, कितने का, टू, टू लेटर्स का सिलेक्शन करने का है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। फर्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होने का, ध्यान से वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो थ्री पी टू समझ में आ गया, तो इस ये एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पे थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मीन्स थ्री माइनस टू फैक्टोरियल। तो देखो थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन, और थ्री माइनस टू वन, वन का फैक्टोरियल वन ही आता है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो हमें इसका आंसर क्या आता है, सिक्स आता है। देखो सिक्स आ रहा है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ए बी सी यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे लेटर्स है, और हमें इन तीनों से हमें टू लेटर्स के हमें वर्ड हमें क्रिएटेड करने, क्रिएट करने के हैं, मतलब अरेंज करने के, तो हम ए बी कर सकते हैं, बाद में बी ए भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अब हमने ऑर्डर, इसको देखो ऑर्डर मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, देखो ए की पोजीशन यहाँ पे है, मतलब उसकी ऑर्डर यहाँ पे है, ए बी, अब ये देखो इसमें क्या हुआ है, बी ये हुआ है, मतलब ये उस वर्ड में ए बी दोनों है, इस वर्ड में भी ए बी है, पर उनकी पोजीशन, उनकी ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रही है, समझ में आ गई, समझ में आया। तो देखो ए बी हो गया, बी ए हो गया, उसी प्रकार से ए सी, हम टू, हमें क्या क्वेश्चन दिया है, टू लेटर्स से हमें वर्ड बनाने का है, हम ए सी भी कर सकते हैं, सी ए भी हम कर सकते हैं। देखो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसमें सी की पोजीशन सेकंड पे थी, इसमें फर्स्ट पे आ गई, ऑर्डर मैटर कर रहा है इसमें, ठीक है, इसी को हम परम्यूटेशन बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर मैटर करती है और हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं, समझ में आ रहा है आपको, उसी प्रकार से बी सी और सी बी। तो इस प्रकार से हम ए बी सी को हम तीनों से हम टू लेटर्स के से हम छह टाइप के वर्ड हम निकाल सकते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यही फॉर्मूला से हम यहाँ पे आंसर निकाला था बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आ गया मान लीजिए 3 आ गया, तो 30 में से आपको 30 वर्ड्स लेटर्स में से आपको 3 वर्ड 3 लेटर्स चुनने के हैं। तो ये आप फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कम थी इसलिए आपने इस प्रकार से निकाला, पर एग्जाम में अगर सेट एन का सेट अगर ज़्यादा आ गया तो आप मैन्युअली नहीं निकाल सकते, इसलिए इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करने का, समझ में आ गया, इसमें ऑर्डर मैटर करती है, उसकी पोजीशन मैटर करती है, ठीक है, और हमें अरेंजमेंट करने के लिए बोला है, क्रिएटेड करने के लिए बोला, इसलिए ये परम्यूटेशन टाइप के प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स हाउ मेनी वेज टू पर्सन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ थ्री पर्सन, यहाँ पे थ्री पर्सन होना चाहिए, ठीक है, थ्री पर्सन टाइप करता हूँ यहाँ पे पर, ठीक है। तो देखो क्या बोला है हमें यहाँ पे, हाउ मेनी वेज टू पर्सन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ थ्री पर्सन, मतलब हमें थ्री पर्सन से, देखो यहाँ पे मैंने इमेज भी लिया है, टोनी का एक इमेज लिया है, नरेंद्र मोदी जी का एक इमेज लिया है, और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का एक मैंने इमेज लिया है। तो मान लीजिए थ्री पर्सन से, और इसमें से हमें मतलब यन की वैल्यू यहाँ पे थ्री आ गई आउट ऑफ थ्री पर्सन, और हमें सिलेक्ट करने के, सिलेक्ट क्या करने के, टू पर्सन सिलेक्ट करने के, टू पर्सन हमें सिलेक्ट करने के। तो देखो टू पर्सन हम कौन कौन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक टोनी को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को, ठीक है, या सेकेंड में क्या कर सकते हैं हम, एक तो टोनी को या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को, और थर्ड में क्या कर सकते हैं हम, मोदी जी को और एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। इसी में से हम हाउ मेनी वेज, मतलब कितने वेज हो चुके हैं यहाँ पे, थ्री, थ्री टाइप में ही हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो अब इसमें ऑर्डर मैटर करती है क्या, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो मोदी जी यहाँ पे आए
और टॉनी यहाँ से यहाँ पे चले गए तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक ग्रुप में आ ही जाते हैं ना, मोदी जी यहाँ आए या फिर टोनी उधर जाए, वो मैटर नहीं करता। इसलिए देखो, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। समझ में आया? यन का सेट था, उसमें से हमने आर को हमें सिलेक्ट करना क्या था, और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं थी। ऑर्डर की मैटर मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं हम, अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। अरेंजमेंट में ये देखो, पोजीशन मैटर करती है अरेंजमेंट में, कॉम्बिनेशंस में, सिलेक्शन में पोजीशंस मैटर नहीं करती। समझ में आया? यहाँ पर भी थ्री ही वर्ड थे, लेटर थे। यहाँ पे भी मान लो थ्री पर्सन्स, मतलब थ्री लेटर ही मान लो आप कंसिडर करो, इनका नाम से लेटर भी हो जाएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करती, ठीक है? तो देखो, इससे हमने छह सेट बनाए थे, ठीक है? पर इससे कॉम्बिनेशंस में केवल थ्री ही सेट बन रहे। तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला भी देखो, थ्री सी टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया था। यन, यन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थ्री है, थ्री सी टू। थ्री में से हमें टू चुनने का है, ठीक है, सिलेक्ट करने का है हमें। समझ में आया? चयन करने का है। तो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल, मीन्स थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो आर यहाँ पे टू फैक्टोरियल, बस इतनी चीज एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू, तो थ्री फैक्टोरियल का थ्री इंटू टू इंटू वन, टू फैक्टोरियल का टू इंटू वन, और वन फैक्टोरियल का वन। तो देखो, बाद में ये वन 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 कैंसिल, टू भी कैंसिल, थ्री बचता है, तो केवल यहाँ पे थ्री आ गया, ठीक है? समझ में आया? यही चीज़ हमने यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट करके निकाली थी। पर मान लीजिए यहाँ पे 13 आ गया, 13 पर्सन है, उसमें से हमें केवल टू निकालने के हैं। तो हम यहाँ पे 13 पर्सन तो एज्यूम नहीं कर सकते, उसमें से टू कौन कौन से निकालोगे? तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से नंबर ऑफ सेट या फिर नंबर ऑफ हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ऑर्डर मैटर करती है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करती। इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं, इसमें हम सिलेक्शन करते हैं। इसमें प्लेसमेंट को, पोजीशंस को बहुत ही, मतलब इसमें वैल्यू है, इसमें पोजीशंस को वैल्यू नहीं है। आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, इसको यहाँ पे रख सकते हो, वो एक ग्रुप हो चुका, सिलेक्ट करने का है हमें, ठीक है? इसमें अरेंजमेंट करते हैं हम। समझ में आया परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस है? अगर अभी तक अरेंज आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है? या फिर मुझे आपको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो, ठीक है? जो भी अच्छा लगता है आप मुझे बता दो कमेंट करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और डीप में एक्सप्लेन करूँगा। देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया है, सिलेक्शन क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होती है, ये भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता इससे डीप में और कोई एक्सप्लेन कर सकता है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी जरूर बताओ, वीडियो को लाइक करो। उसके बाद हम देखें कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट, अब देखो, एन पी जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है? ये हम इसमें से देख रहे हैं। देखो, एन पी आर, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मान लो एन है, यहाँ पर जीरो आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एन पी जीरो की वैल्यू वन होती है। इससे एग्जाम में इसी कंसेप्ट के ऊपर ही प्रॉब्लम आते हैं, ताकि आपका आंसर विद इन 5-6 सेकेंड में निकल जाए, ठीक है? खाली आपको ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। एन पी जीरो की वैल्यू वन होती है, उसी प्रकार से एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है। सेम, एन पी वन की वैल्यू एन होती है, तो एन सी वन की वैल्यू यहाँ पे एन होती है। और यहाँ पे एन पी एन मतलब ऊपर जितने हैं नीचे भी उतने ही है, तो उसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है, ठीक है? और यहाँ पे एन सी एन की वैल्यू वन होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एन पी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है? तो देखो, ये
थ्री पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तो सब सेम ही है, इसे सिर्फ खाली बचता है एन पी एन की वैल्यू, एन फैक्टोरियल होती है और एन सी एन की वैल्यू वन होती है। समझ में आया? जब आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और जितने एग्जाम्पल ज़्यादा आप सॉल्व कर जाओगे आप उसमें उतनी ही महारत हासिल कर पाओगे। उसके बाद नीचे देखते हैं एंड, अगर क्वेश्चन में एंड आता है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, टू सेंटेंस दिए रहते हैं या फिर टू सेट्स दिए रहते हैं, एन सेट्स टू दिए रहते हैं और उसमें एंड का बीच में अगर एंड यूज किया तो उनका मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेट का मल्टीप्लिकेशन करने का, और आ गया है तो एडिशन करने का, ठीक है। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम, और एटमोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम ही है ये, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये मैक्सिमम तो हम प्रोबेबिलिटी में ही यूज करते हैं, तो जब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तब मैं ये भी आपको डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसकी कोई उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स भी हमने देख लिए हैं, ये फैक्टोरियल किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये भी आपको बताया है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस जो भी है वो पूरा का पूरा हमने देख लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा आपका तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमने देख लिया है, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखो मेरी एक खासियत है कि मैं 10 या 20 मिनट के वीडियो में ही मैं आपको उस टॉपिक का पूरा ज्ञान बांट देता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे सभी वीडियोस देखे हैं तो आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा। अगर इसी शॉर्ट वीडियो में ही अगर आपको सब चीज़ें समझ में आते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको सच में वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। वीडियो और नोट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।